राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पीरियड्स में हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो आज का ये विशेष वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आप पीरियड्स में किस तरह से आप उनकी सेवा कर सकते हैं। हमारे मन में ये भाव आता है कि उस समय हम उनकी सेवा कैसे करें, हम नहीं कर पा रहे तो हम भी दुखी रहते हैं। हमें लगता है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहे तो हम बहुत मन में बहुत दुख का भाव आता है। तो हम क्या करें, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो हम इस तरीके से देखिए, दही का भोग कोई भी लगा सकता है, बच्चे भी लगा सकते हैं, इसमें कुछ बनाने का नहीं होता है। आपके घर में जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स काट के दे सकते हैं या साबुत भी दे उनका भोग लगा सकते हैं। तो ये हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। और मिश्री माखन है आपके घर में अगर रखा हुआ है पहले से, इसका भोग भी बच्चे लगा सकते हैं। इसमें हमारे ऐसा नहीं है कि हमें कुछ ताज़ा बनाना है या ऐसा। और आपके घर में बिस्किट हैं, बिस्किट का भी हम देख लें इंग्रेडिएंट्स कैसा है, उसमें कुछ ऐसा वैसा मिला हुआ तो नहीं है। इसमें पीनट बटर लगा के इसका सैंडविच बना करके दे सकते हैं। ये हमारे बच्चे भी कर सकते हैं और हमारे हस्बैंड भी कर सकते हैं, मतलब घर का कोई भी सदस्य इस चीज़ को कर सकता है। तो हमारे मन में ये भी नहीं रहेगा कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे मक्खन चोर भूखे हैं, ऐसा भाव मन में नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से उनकी सेवा कर सकते हैं। हमारे बच्चे हैं घर में, वो भाई खाना बना नहीं सकते, छोटे बच्चे, तो ये सारा सामान हम मार्केट से ला करके देख लें, उसमें कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है, तो ये हम रख सकते हैं। और हम बाहर जाने तो छोटे छोटे डिब्बे बना करके उनके मंदिर में रख सकते हैं। तो ये है ग्रेन्यूला चॉकलेट वाला, इसमें सारे फ्रूट्स होते हैं, वो पूरे कोटेड होते हैं। ये हम दे सकते हैं लड्डू गोपाल को। देखिए इस तरीके से आता है डब्बा, और इसमें चेक कर लें कि इसमें ऐसा वैसा कुछ है तो नहीं। तो इसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो हम माखन चोर को या लड्डू गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल हैं, उनको ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। और चॉकलेट तो बच्चे को, किसी भी बच्चे को बहुत प्रिय होती है, तो ये उसमें कोटेड होते हैं। इस तरह के आप डब्बे ला के मार्केट से ला सकते हैं, इसमें कुछ बनाने का नहीं होता। और मन में ये भाव भी नहीं होगा कि हमारे जो हमारे लड्डू गोपाल हैं भूखे नहीं रह जाएँ कहीं। और ये है कॉर्नफ्लेक्स, इसमें भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम होते हैं, काजू होता है, इस तरह का ला सकते हैं, इसमें ऐसा वैसा भी कुछ नहीं होता। और ये है ग्रेनुला, इसमें भी काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट होते हैं, मतलब इस तरह का भोग हम दे सकते हैं, बहुत इजीली मार्केट से ला सकते हैं, घर में रखें पहले से कि हमारे पता रहता है कि हमें पीरियड्स आने वाले हैं, तो इस तरीके से ला करके रखें तो आराम से हम बच्चे भोग लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है। ये है हमारे मिलेट्स वाले, मिलेट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ड्राई फ्रूट्स हैं खूब सारे, इसका भोग लगा सकते हैं, मतलब तरह तरह का भोग। ऐसा नहीं कि एक एक चीज़ का लगा रहे हैं तो हमारे लड्डू गोपाल भी बोर ना हो खा खा के। ये है ड्राई फ्रूट का, ये तो हम लगाते हैं, सुबह भी लगाते हैं या शाम के टाइम लगाते हैं, तो आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं। तो ऐसा इस तरह का भोग रखें घर में, ताकि अलग अलग डब्बे में बना करके जो, और बच्चों को बता करके रखें कि ऐसे ऐसे आपको भोग लगाना है पहले से। और ये सेवा में सर्दियों में अगर आप सेवा कर रहे हैं तो बच्चे केसर का दूध पिला सकते हैं लड्डू गोपाल को, तो केसर के डिब्बे पास में रखें। ये सब चीज़ें आप अलग से एक अलमारी बनाएं, उसमें छोटे छोटे डिब्बे बना करके रखें। ये वाली डिब्बी मैं हमेशा मंदिर में रखती हूँ, ताकि भगवान इसमें से हमेशा अपना भोग ग्रहण कर सकें। ये देखिए मैं इसमें ड्राई फ्रूट रख देती हूँ, ताकि भगवान हमारे जब भी होते हैं इसमें से ले सकें। तो इस तरीके से आप अपने जो आपके पीरियड्स आते हैं उसकी आप तैयारी कर सकते हैं भगवान के लिए भोग की, कि बच्चे कैसे दें ताकि हमारे भगवान भूखे ना रहें, हमारे लड्डू गोपाल भूखे ना रहें, कैसे उनको दे सकते हैं, कैसे उनकी सेवा करें उन दिनों में। और ऐसा भाव हमारे मन में ना आए कि देखिए हम बहुत दुखी हों कि हमारे लड्डू गोपाल भूखे रह जाएंगे, और हम उनकी सेवा इस तरीके से कर सकते हैं बहुत इजीली। और माखन मिश्री तो उनको बहुत प्रिय होता है, तो ये तो आप हमेशा रखें ही, फ्रूट सबके घरों में होते हैं, ये सारी चीज़ें जो, मतलब इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ही होते हैं। आप कभी भी आप मार्केट से लाएं, देख चेक कर लें इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, नमकीन है तो उसमें कोई प्याज का या लहसुन का कोई मसाला डाला हुआ तो नहीं है, सारा चेक करके। जिस तरह से उन दिनों में हम अपने परिवार के सदस्यों की सेवा करते हैं, उसी तरह वही भाव रखते हुए हमें अपने माखन चोर की, हमारे लड्डू गोपाल की,
हमारे लल्ला की सेवा करें और कोई मन में ऐसा भाव ना रखें कि हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जिस तरीके से हम अपने सारे सदस्यों की उन दिनों में सेवा करते हैं या खाना खिलाते हैं या जो भी कुछ करते हैं, तो बस उसी तरह से हम लड्डू गोपाल की सेवा करें या अन्य सदस्यों से कह करके उनकी सेवा करवा सकते हैं। तो हमारे घर के सदस्य बहुत खुशी खुशी करते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।